कुल लगातार समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी, लूट के बड़ वारदात के अंजाम देवे जा रहल दू जना के हथियार के साथे पुलिस रेल दिहलस आ ललकी कोठरी में ठेल दिहलस। खबर का बटुए विस्तार से बतावल जाए, नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड से भइल बटुए गिरफ्तारी, बड़ा खबर बटुए पहले भी मोबाइल और अन्य लूट के घटना के अंजाम दे चुकल बने अपराधी। खबर का बटुए विस्तार से जानी, नगर थाना के पुलिस लूट के वो योजना के बनावत आ नाकाम करत बाईपास रोड से दू गो युवक के दू गो लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर ले बिया। दोनों जाना के न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर जेल भेज दिहल बा। वहाँ के बतैनी कि लोग पुलिस के सामने स्वीकार कैले बढ़न कि मोबाइल आ पैसा के लूट करे खातिर आई रहन। पकड़ल गई युवक के नौ न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर जेल भेज दिहल गई बा। घटना के बारे में मिलल जानकारी के अनुसार नगर थाना के पुलिस द्वारा चलावल जा रहा नियमित गश्त अभियान के दौरान नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में दू जना संदिग्ध युवक दिखाई देलन। जब ई लोग के रोकल गई तो भागे के प्रयास करन लगलन, लेकिन पुलिस के भी शंका भइल, पुलिस दौड़ा के पकड़ लिहलस। पकड़ल गई युवक के पहचान नगर के खलासी मोहल्ला के रहे वाला वीरू आ निरंजन के रूप में भइल बा। दोनों जना ये बतैलन कि वो मोबाइल लूटे खातिर या छोट मोट लूट के वारदात के अंजाम देवे के काम करेलन। हालांकि लोडेड पिस्टल होखे के कारण पुलिस ईमान के चलत या कि वो कोनो बड़ वारदात के अंजाम भी दे सकत रहन। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मालाकार बतैनी कि दोनों युवक के गिरफ्तारी पुलिस खातिर एगो बड़ सफलता बा। गिरफ्तार युवक के जेल भेज दिहल गया बा। वहाँ के बतैनी कि नगर थाना क्षेत्र में नियमित रूप से अपराध कर्मी के विरुद्ध अभियान चलावल जात बढ़ुए आ चलावल जात रही। रउरा सबके बता दी कि छोट मोट वारदात पिस्टल लेवे वाला आदमी ना करी, कहीं ना कहीं ये संगे वारदात के अंजाम देवे खातिर ये अपराधी पहुँचल रहन। हालांकि अगर इतने बात निकल के आयल बटुए तो पुलिस के भी सवाल पैदा हो रहा बटुए। पिस्तौल आ वो लोड पिस्तौल छोट मोट चोरी करे वाला के हाथ में ना रही, पहल की बात छोट मोट चोरी करे वाला कट्टा फट्टा से डरवा के धमका के अपन घटना के अंजाम दी, लेकिन दोनों युवक के भीड़ी लोडेड पिस्तौल बटुए आ पुलिस बतावत या कि मोबाइल लूटे वाला हम। पुलिस के पुनः एपो पुनरावृत्ति करके कोर्ट से आदेश लेके एक से कड़ाई से पूछताछ करे चाहिए। मामला कुछ बड़ा हो सकता, शेयर करी।